नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आरएसएस के द्वारा हो रही नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे, कितना क्या चालान कटवाना पड़ेगा, चालान का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो किस प्रकार रिकवर करोगे, कितने क्या सीट्स कॉलेज है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लगभग 2 महीने पहले आरएसएस ने नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया था, जिसका रिजल्ट एग्जाम के 2-3 दिन बाद में ही अपलोड कर दिया गया था, तो जो आप सभी को पता है। लेकिन आरएसएस ने हाल ही में इन सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। इसी काउंसलिंग को लेकर आरएसएस ने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंध सभी नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिंग बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु परीक्षा दिनांक 13/10/2019 को आयोजित की गई थी कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निम्नानुसार की जाएगी। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 7 दिसंबर 2019 सुबह 5 बजे से। ऑनलाइन ऑप्शन भरने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2019 शुक्रवार मध्यरात्रि 12 बजे तक। ऑनलाइन प्रथम काउंसलिंग की तिथि 15/12/2019 रविवार को आपकी फर्स्ट कट ऑफ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ऑनलाइन द्वितीय काउंसलिंग की तिथि 25/12/2019 बुधवार तक। काउंसलिंग की राशि 10,000 रुपये का चालान ओबीसी बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने के समय जमा करवाना अनिवार्य है, जो कि बाद में आवंटित महाविद्यालय की फीस में समायोजित हो जाएगी। नर्सिंग में काउंसलिंग के लिए आपको 10,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। यदि आपको कोई कॉलेज एलोटेड होती है तो उसमें आपको फीस के रूप में जमा कर लिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 2019 के अतिरिक्त बीपीटी एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग 2019 की विस्तृत जानकारी एवं ऑप्शन बनने के दिशा निर्देश भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो आपको बताता हूँ कि ऑप्शन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर गूगल में टाइप कीजिए RUHS। इसकी मेन साइट ओपन करने के बाद में यहाँ पर आरएचएस की मेन साइट ओपन कीजिए। वन साइट और जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस दिए गए होते हैं जो रिसेंटली होते हैं। सबसे ऊपर ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन होगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप आरएचएस नर्सिंग की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और एक क्लिक टू फिल ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक टू फिल ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको यूजर लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। सिलेक्ट एग्जाम पोस्ट आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कीजिए। अगर आप लॉगिन करने में असमर्थ रह रहे हो, मतलब आपने पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ पर जस्ट नीचे नोट लिखा हुआ है, टू रिकवर योर पासवर्ड एंड डाउनलोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज विजिट, ये लिंक दी गई, इस पर लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपने जिस फोर्स में फॉर्म अप्लाई किया था उस पर क्लिक कीजिए। जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग, जिसमें भी आप कोर्स सेलेक्ट किया हो उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। रीडायरेक्ट होते ही आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए थर्ड नंबर पर शो दिखाई दे रहा रिकवर पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा, तो आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। इसमें अपने पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या यूज़र आईडी डालिए। जैसे ही अपनी ईमेल आईडी डालोगे और रिकवर पासवर्ड पर रिकवर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और आपके जो पासवर्ड है वो अपनी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिए जाएंगे और आपके जो पासवर्ड यूजर नेम डालकर वहाँ पर लॉगिन करके आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आरएसएस ने गाइडलाइन नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट राउंड के लिए आप ऑप्शन फॉर्म 7 दिसंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक मध्यरात्रि भर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड आएगा वो 15 दिसंबर 2019 को आ जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटेड हो जाती तो वो उस कॉलेज में जाकर 16 दिसंबर 2019 से 21 दिसंबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो द्वितीय चरण स्टार्ट होगा वो 22 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होगा और उसकी जो सीट आवंटित तिथि होती है, मतलब द्वितीय चरण जो अलॉटमेंट होता है, वो 25 दिसंबर 2019 को लिस्ट आ जाएगी। सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉटेड हो जाती है वो 26 दिसंबर 2019 सुबह 10 बजे से 30 दिसंबर 2019 साढ़े 5 बजे तक अपनी
रिपोर्टिंग दर्ज करवा सकता है जिस भी कॉलेज में इसको अलॉटेड हुई है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में कुछ अन्य जानकारी भी दी गई है जिसको आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर चालान कटवाने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस को अभी देखते हैं। जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है ये काउंसलिंग ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। वेबसाइट पर जाने के बाद में लॉगिन और पासवर्ड का एक इंटरफेस दिखाई देगा, वहाँ पर अपनी लॉगिन पासवर्ड डालकर अपने आईडी को लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन करोगे आपको डाउनलोड चालान का ऑप्शन दिखाई देगा, एक तरफ डाउनलोड चालान और एक तरफ चालान एंट्री अपलोड करने का ऑप्शन जारी करेगा। चालान जमा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपये चालान द्वारा भुगतान करने होंगे, जिसके लिए चालान डाउनलोड बटन को दबाकर चालान डाउनलोड करना होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा पर 10,000 रुपये जमा कराने होंगे चालान हेतु। पुनः लॉगिन करके चालान एंट्री और अपलोड बटन दबाए एवं निम्न सूचना भरे, चालान जमा करने की दिनांक, बैंक शाखा का नाम, बैंक लेनदेन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी बैंक ऑफिसर द्वारा लिखी गई। अब चालान की स्कैन्ड कॉपी पोर्टल पर अपलोड चालान बटन दबाकर अपलोड करें। ध्यान रखिए मूल चालान की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो अगर आपको कोई कॉलेज एलोटेड हो जाती है तो वहाँ पर आपको वो देनी होती है। सफलतापूर्वक चालान अपलोड पश्चात अभ्यर्थी को मैनेज विकल्प बटन देख सकेंगे। मैनेज विकल्प बटन दबाकर अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों में से अधिकतम विकल्प भर सकता है। अभ्यर्थी कितनी भी बार अधिकतम बार विकल्पों को मोड़ जोड़ हटाकर बदलकर संशोधन कर सकता है। अंतिम दिनांक एवं समय पश्चात भरे गए विकल्प स्वतः ही बंद हो जाएंगे। भरी गई विकल्पों का प्रिंट अंतिम प्रिंटआउट अंतिम तिथि या समय के बाद ही मिलेगा। जैसे ही आपकी कॉलेज फिल हो जाती है तो वहाँ से आप लॉग आउट कर दीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। जैसे ही अंतिम दिनांक पश्चात आप देखोगे तो वहाँ पर प्रिंटआउट का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ कि अगर आपको 10,000 रुपये का चालान कटवा लेते हैं तो वो आपको किस तरह से वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10,000 रुपये की चालान राशि को आवंटित कॉलेज की शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटेड हो जाती है तो उस 10,000 रुपये को आपको फीस के रूप में भर लिया जाएगा। निम्न कैंडिडेट्स को ही 10,000 रुपये की चालान राशि को वापस किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की कोई भी कॉलेज आवंटित ना किया गया हो, मतलब कोई भी कॉलेज अलॉटेड नहीं हुई तो उनको 10,000 रुपये वापस मिल जाएगा। विकल्प अनुपलब्धता की दशा में अगर आपने कोई भी विकल्प नहीं भरा है तो आपको वो 10,000 रुपये वापस मिल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जयपुर आवंटित किया गया एवं उनके द्वारा सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग ज्वाइन किया गया तो उनको भी 10,000 रुपये वापस मिल जाएगा। यदि आवंटित कॉलेज की सीट पर अभ्यर्थी ने रिपोर्ट ना किया तो उसकी चालान राशि 10,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। मतलब चालान कटवाने के बाद में आपको कोई भी कॉलेज एलोटेड हो जाती है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 10,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपके पास एक वैध परिचय पत्र होना जरूरी है। मूल चालान 10,000 रुपये की जो मूल रसीद है वो आपको वहाँ पर जमा करानी होगी। प्रोविजनल आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर भी आपको जमा करवाना है। जाति प्रमाण पत्र, फिजिकल हैंडीकैप्ड यदि आपके पास हो तो, 10th एंड 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। ध्यान रहे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आप नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको 50 या 100 रुपये की एक रसीद भी मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पर जमा करवानी है। इसके बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो परिचय पत्र, मूल चालान 10,000 की रसीद, अलॉटमेंट लेटर, अनुभव प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th का मार्कशीट, जेएनएम डिप्लोमा व मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आरएन आरएम सर्टिफिकेट, मूल निवास, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सेवारत स्टूडेंट के लिए कार्य मुक्ति आदेश एवं अनापत्ति सर्टिफिकेट। इसके बाद में एमएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ बीएससी नर्सिंग और स्नातक की जो मार्कशीट या डिग्री है उसकी भी कॉपी लगेगी। इसके साथ साथ ही आरयूएस ने एक सीट मैट्रिक्स नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और उनकी सीटें दर्शाई गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कितनी क्या सीट दी गई है। ये आरयूएस ने जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए हैं काउंसलिंग को लेकर, इन सभी नोटिफिकेशन के डाउनलोड की वीडियो की डिस्प्ले में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट में जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।